जिसके लिए हरि भक्त यहाँ पर आते हैं। अभी हम उसी स्थान पर यहाँ मौजूद हैं, जिसे कहा जाता है नंद बाबा का घर, नंद भवन 84 खंभा। यह ऊपर वाला छत सीलिंग और यह जितना भी पिलर लगा है 84 है। ये खंभे का काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, गिनने में ये कभी 84 नहीं होता। एक बार गिनिए या 1,00,000 बार गिनिए, लेकिन गिनती में 84 नहीं होता। वो किस कारण नहीं होता है, क्योंकि हमारा मानव योनि होता है नहीं, मानव जीवन हम लोग जीता है। ये 84 लाख योनि का चक्कर है। जो मनुष्य यहाँ आता है, जो अपना मुक्ति की प्राप्ति के लिए, अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए जगह जगह भटकता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं होता, लेकिन मोक्ष एवं मुक्ति प्रदान उसको यहीं से प्राप्त होती है, क्योंकि यह जगन्नाथ बद्रीनाथ द्वारकानाथ के पिता श्री नंद महाराज का घर है। यह 84 खंभे का निर्माण ना तो किसी पंडित ने किया और ना ही किसी पुजारी ने और ना ही किसी राजा करने वाला है। देवताओं का कारीगर विश्वकर्मा देव एक रात्रि में 80 खम्भिया गोकुल जी में स्थापित किए श्री विश्वकर्मा जी। बाकी का 4 खम्भा यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ला करके अपना हाथों से निर्माण कर गोकुल जी में स्थापित किया, जो कि पीताम्बरी वस्त्र बना है, ये स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पर गोकुल जी में स्थापित किया। 4 युगों में इन खम्भा को परिवर्तित किया। पहला खम्भे को दर्शाया गया है सतयुग वाला खम्भा है, ये सेकेंड है त्रेता युग वाला, थर्ड वाला द्वापर युग और फोर वाला है तुम्हारा कलयुग। कहते हैं सतयुग में शिवजी बसे, त्रेता में श्री राम, द्वापर में है श्री कृष्ण बसे, कलयुग में शैतान। कलयुग में शैतान का प्रवृत्ति है। शैतान का वास क्यों माना गया है, क्योंकि आपने देखा होगा यह कलयुग में प्राणी जगह जगह झगड़ा करता है, मारपीट करता है, मदिरा का पान करता है, यानी मदिरा का सेवन एवं जुआ खेलता है, तो उस प्राणी पर कलयुग का दुष्प्रभाव हमको देखने को मिलता है। और ये कलयुग काल में बेटा बेटी भी दो प्रकार का होता है, सुपात्र और कुपात्र। कुपात्र बेटा बेटी, माता पिता का नाम कोर्ट कचहरी थाने में लिखाता है, और सुपात्र बेटा बेटी अपने माता पिता को शरण कुमार की तरह चारधाम यात्रा का फल या आनंद घर में प्राप्त कराता है। जो प्राणी पैदल परिक्रमा करने 84 का जाएंगे, 40 दिन का समय लगेगा, 40 दिन 40 रात्रि लगेंगी, लेकिन हर प्राणी नहीं कर पाता है, किसी में शक्ति है, किसी का सामर्थ्य नहीं है। तो जो प्राणी आकर के 84 खम्भे का परिक्रमा लगाता है, वह हरि भक्त ब्रज चार धाम 84 कोस सप्तपुरी 68 तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त करता है। यहाँ भगवान कन्हैया लूट लूट कर माखन खाया, नाम माखन चोर रखाया। कारण क्या है, भगवान वैकुंठ को छोड़ करके भूलोक पर आया माखन के लिए, समस्त ब्रजवासियों के रक्षण के लिए। भगवान अपना वैकुंठ धाम को छोड़ करके माखन के लिए आया, ग्वाल वालों के साथ में माखन खाया, हैंड वॉश नहीं किया, हाथ नहीं धोता था माखन खाने के बाद। ये जितना भी खंभा है सबसे हाथ को पहुंचा है, ये खंभा जगह जगह से चिकना पड़ा है, सिल्की है, हाथ लगा करके देखिए सारे खंभे चिकने पड़े हैं भगवान समय। अरे हाँ, अरे बिल्कुल सही बात है। और एक पॉइंट और है, ये ऊपर वाला छत है ना जी, ये काला पड़ा है, दिख रहा है? हाँ, काला दिख रहा है। ये काला क्यों पड़ा है, नंद घर में 9,00,000 गऊओं का दूध गर्म किया जाता था, उसकी वजह से छत काली। ओहो, तो ये 5,000 साल पुरानी काली गई है। 5,500 साल वर्ष पुराना भगवान का महल, और उसी समय का ये खम्भा और ये छत है, और छत काली पड़ी है, खम्भे भगवान समय के चिकने। ये जो खम्भा मैंने आपको बताया, भगवान ब्रह्मा जी द्वारा लगाए गए 4 खम्भे जी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग में शिवजी बसे, त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण बसे, कलयुग में शैतान। जब असुरों में और देवताओं में मिल करके हुआ था समुद्र मंथन, समुद्र मंथन विंध्याचल का पर्वत था, भगवान श्री हरि विष्णु कश्यप रूप धारण कर कछुए का अवतार लेकर के विंध्याचल पर्वत का बाहर अपने ऊपर उठाया, ये विंध्याचल का पर्वत बनाया, शेष नाग को आज्ञा देकर के उसका रस्सी का निर्माण किया, तब जाकर के समुद्र मंथन किया। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी का कमल है, कमल पुष्प भगवान ब्रह्मा का आसन है,
और जो समुद्र मंथन से निकला था अमृत का कलश वो यहाँ पर प्रकट है। एक खंभे का नाम है त्रेतायुग। त्रेतायुग में भगवान सीता राम का अवतार था। यहाँ भगवान रामचंद्र का मुकुट का आकृति दिख रहा है ऊपर वाला। यहाँ भी अमृत कलश का चिन्ह देखने को मिलेगा। और यहाँ ब्रह्मा जी का कमल है और नीचे में है ये सूर्य नारायण का आकृति। क्योंकि भगवान राम का जन्म हुआ था राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का दिन के वक्त यानी दिन के समय में उनका जन्म हुआ तो सूरज वंशी थे श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। खंभे का नाम है द्वापर युग। द्वापर युग, द्वापर युग में जन्मे भगवान कृष्ण कन्हैया जगत के पालनहार सृष्टि के रक्षण करता गिरी गोवर्धन को उठाने वाले। ये वहाँ इनका कृष्ण मुकुट आकृति बना है। अमृत कलश तीनों खम्भों पर देखने को मिलता है क्योंकि जहाँ ईश्वर है वहाँ अमृत जरूर है। यहाँ ब्रह्मा जी का कमल है क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही इन खम्भों का निर्माण किया तो इसलिए भगवान का कमल चिन्ह का छाप आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आने वाले कलयुग में प्राणियों को पता चले कि इन खम्भों का निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने किया है। और यहाँ पर है चंद्र का क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था आधी रात्रि को 12 बजे। कहते हैं भगवान जब जन्म लेकर के यहाँ आए थे तो आधी रात्रि को ही आए थे तो उनका नाम पड़ा है चंद्रवंशी श्री कृष्ण। इनको बोलते हैं राधा कृष्ण। बोलो राधा कृष्ण राधा कृष्ण। कलयुग वाला ये कलयुग पिलर है। अभी जो चल रहा है अभी हमारा आपका लाइफ हमारा जीवन ये कलयुग काल में व्यतीत होता है। लेकिन इस खम्भे पर कोई डिजाइन नहीं है कोई चिन्ह नहीं है कोई कलाकृति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये साधारण है। क्योंकि हम लोग भी आप लोग भी साधारण है जनमानस है। हमें कोई चमत्कारी शक्तियाँ नहीं है द्वापर त्रेता सतयुग वाली। नहीं नहीं इसी कारण इसको साधारण बनाया है भगवान ब्रह्मा। इस पर कोई डिजाइन नहीं है। आप लोग सोचो कि वस्त्र बांध रखा है ये साधारण कला है। देख लीजिए कोई डिजाइन नहीं है इस पर ये खाली है। हाँ बिल्कुल ये प्लेन पत्थर है। और हाथ लगा करके आप लोग देख सकते हो हाथ लगा अभी हमारा ये जो कलयुग का आयु है कलयुग का आयु नष्ट होते जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। तो भगवान कल्कि अवतार लेकर के ये कलयुग का अंत करेंगे समस्त पापियों का नाश करेंगे तब जाकर के नव युग का आरंभ होगा। और जिस युग का आरंभ होगा उसको कहा जाएगा सत्ययुग। जो आपको मैंने पहला दिखाया ये खंभा विलुप्त तो होकर के सत्ययुग वाले स्थान को ग्रहण करेगा और सत्ययुग वाला खंभा वहाँ से विलुप्त होकर के अपना नवयुग का स्थापना करेगा। ये यहाँ का चमत्कार है चमत्कार का ही नमस्कार। सामने से भगवान का फुटो भी ब्रज 84 कोस यात्रा करने का फल मिलता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर मुक्ति हमारे ब्रजरज में छुपी है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए ब्रज का रज गुण मस्तक लगे तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। मुक्ति मुक्त कैसे की? भगवान ने ब्रज की रज को मुक्ति प्रदान की है माटी को खाकर। धन्य धन्य या ब्रज की माटी कृष्ण भगवान ने जिज्ञासा से चाटी। यहाँ भगवान ने जब माटी को खाया तो अपनी माता यशोदा को अपना मुख में विराट स्वरूप का दर्शन यानी विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अंतरिक्ष का दर्शन अपने मुख में कराया। नौ ग्रहों का दर्शन अपने मुख में कराया। तीन लोक 14 भवनों का दर्शन अपने मुख में। जिस प्रकार से महाभारत काल में अर्जुन को अपना विराट स्वरूप का दर्शन दिखलाया वही प्रकार से मैया यशोदा को बाल वन में ब्रह्मांड का दर्शन तो भगवान कृष्ण का नाम पड़ गया ब्रह्मांड बिहारी लाल और जगह का नाम पड़ाया भगवान ब्रह्मांड घाट जो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे में पड़ता है। ब्रह्मांड घाट है यमुना जी का घाट जहाँ आज भी कदम का वृक्ष है जहाँ भगवान बांसुरी बजाता था कदम की छाया में जहाँ गोपियों का वस्त्र चुरा करके पेड़ पर बैठ जाया करता था भगवान करेंगे। यही कारण है भगवान ने माटी खाया तो ब्रज रज को मुक्ति और मुक्ति का केंद्र हमारे ब्रज में 2 जगह है। पहला ये ब्रज भूमि है भगवान समय का दूसरा गिरी गोवर्धन है
तीसरा यमुना नदी है, चौथा है गोकुल नंद भवन 84 खम्मा, और मुक्ति का द्वितीय केंद्र है श्री यमुना महारानी। हमारे यहाँ पर भाई दूज आता है, भैया दो जिसको बोलते हैं नहीं, बहन बहन अपना भाई का टीका करती है, लेकिन हम लोग यमराज से बहुत डरते हैं, अपनी जुबान पर यमराज का नाम कभी नहीं लेकर के आते, पता नहीं कब हमारा प्राण को हरण कर ले। लेकिन यमुना मैया हमारे प्राणों के रक्षण के लिए कहाँ पहुँचती हैं, यमलोक जाकर के भाई दूज वाले दिन टीका किया अपने भैया यमराज का, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण की पुत्री थी यमुना महारानी, तो वहाँ जाकर के टीका किया, तब जाकर के भगवान यमराज ने अपनी बहन यमुना को एक दिन का वरदान दिया, जो भी भाई बहन आकर के यमुना स्नान करेगा, यमदूतीय स्नान, यम फंदा से मुक्ति प्राप्त करेगा, वो भी भाई दोष वाले दिन, जो भी भाई बहन भाई दोष वाले दिन आकर के यमुना स्नान करते हैं, वह प्राणी यम फंदा से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये हमारे यहाँ की लीला है, हमने आपको जो कुछ भी बताया राधे राधे। अगली बार आए भगवान के चरणों में या दर्शन करने के लिए आए, और इस चैनल को भैया के को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। अरे बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।